हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से। बच्चों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें मैंने अच्छे अच्छे एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन की है, एमसीक्यू फिजिक्स 12। इस प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यूज पर सभी वीडियोज मिलती रहेंगी क्लास 12 के लिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले भी हमने जो एमसीक्यू डिस्कस किए हैं उसके आगे हम कुछ और एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेकंड पार्ट से। यहां पर देख लीजिए, आप क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर अ पॉइंट चार्ज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंसेस। यानी यहां पर बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बताना है विद डिस्टेंस के साथ। यानी पॉइंट चार्ज, मान लीजिए अगर एक पॉइंट चार्ज है लेट से, तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी दूरी पर, किसी दूरी आर पर, वो किस तरीके से वैरी करेगा। बेसिकली उसका हमें ग्राफ यहां पर चूज करना है, विच वन इज करेक्ट, राइट। तो आप यहां पर देखिए, सभी ग्राफ्स में आप देखेंगे, जैसे ए ग्राफ को आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी आर अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। ग्राफ हमें ये बता रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखें ग्राफ बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, राइट। उससे पहले आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद फिर धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है, और जीरो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर जाकर जीरो होगा। लेकिन अगर आप ग्राफ सी देखें तो यहाँ पर देखिए जीरो हो गया है, ओके, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसका रेट धीरे धीरे डिक्रीज नहीं कर रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज कर ही रहा है, उसका रेट भी डिक्रीज कर रहा है। अगर आप ग्राफ डी देखते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी आर तो बढ़ रहा है, दूरी तो हम बढ़ा रहे हैं पॉइंट की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है। तो यहां पर ग्राफ बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ धीरे धीरे डिक्रीज करता है और जीरो हो जाता है इन्फिनिटी पर जाकर। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे यहां पर कि हम इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पर ऑप्शन है, अभी देखिए मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना है तो 1/r² बोलेंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना है तो r² बोलेंगे। उसी तरह यहां पर पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल रिमेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो यहां पर ऑप्शन देख लीजिए आप, r² r³, 1/r² 1/r³, यानी 1/r² को हम r^-2 भी बोल सकते हैं, ओके, r^-2। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि मान लीजिए एक शॉर्ट डाइपोल है, ओके, तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, राइट। और ये वो पी पॉइंट है जो आर दूरी पर है, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ डाइपोल से हो गया आर वेक्टर, ओके। तो यहां पर एंगल होता है थीटा, ये राइट, जो कि यहां पर आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी, राइट। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के, राइट। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन होगा r^-3। इसका मतलब होता है 1/r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए शॉर्ट डाइपोल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r³ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r³ के। तो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा गया, इसलिए हम आंसर यहां पर सेलेक्ट करेंगे डी, यानी r^-3, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शंस देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां पर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, चार्ज भी एक स्केलर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी जो है इन फोर क्वांटिटीज में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टिंग मेटल स्फीयर देन द चार्ज इज प्रेजेंट
ऑप्शंस हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो देखिए मेटल स्फीयर है, अगर मान लीजिए कोई मेटल स्फीयर है, इस पर हम कुछ चार्ज देते हैं, ओके। अब चार्जिंग के मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, मान लीजिए हमने उसको चार्ज दिया, तो बच्चों जो भी हमने उसको चार्ज दिया, जैसे ही हमने उसको चार्ज दिया, वो चार्ज उस मेटलिक सरफेस के, मेटलिक स्फीयर के सरफेस पर रिजाइड करेगा, यानी वो पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ना तो इनसाइड होगा ना वो आउटसाइड होगा, वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। चार्ज जो रिजाइड करेगा वो सरफेस पर करेगा, तो यहां पर ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, ऑप्शंस देख लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम, न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाइ ई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ओके। ई है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए इज द एरिया, राइट। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं, जाता है ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की तो कुछ यूनिट होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ वन मीटर, ए क्यूब ऑफ साइड वन मीटर एनक्लोजेस द चार्ज ऑफ वन कूलम इन वैक्यूम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब। ऑप्शंस देख लीजिए आप यहां पर जल्दी से, ऑप्शंस देख लीजिए बच्चों। तो यहां पर देखिए क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए क्यूब है जिसकी साइड है वन मीटर की, ओके, और यहां पर सेंटर में, यहां पर उसके अंदर, सेंटर में ही नहीं कहीं भी अंदर उसके वन कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, ओके। यानी यहां पर जो चार्ज है यह है वन कूलम चार्ज, राइट, वन कूलम चार्ज है। तो बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए किसी एक सरफेस से, मान लीजिए इस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है, इस सरफेस से, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल, ऐसे निकलेगा, ओके। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, तो इसके लिए हमें गॉस थ्योरम यहां पर यूज करना होगा। गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी एनक्लोज सरफेस से, यानी जिसने कुछ चार्ज एनक्लोज किया हो, तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो कितना होता है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर चार्ज कितना है, यहां पर चार्ज है वन कूलम, तो हो जाएगा वन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी इस क्यूब के सभी फेसेस से, टोटल फेसेस से जितने भी हैं, कितने फेसेस हैं, सिक्स फेसेस हैं, तो टोटल सिक्स फेसेस से बच्चों वन बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकल रहा होगा। तो अगर सारे सिक्स फेसेस से वन बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, तो एक फेस से कितना निकलेगा बताइए जल्दी से, इसका वन बाई सिक्स, यानी एक फेस से निकलेगा, वन फेस से निकलेगा वन बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ओके, वन बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगर यहां पर वन कूलम ना देकर यहां पर चार्ज दिया होता सिर्फ क्यू, तो यह था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट का वन बाई सिक्स, ओके। तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा, यानी एक फेस से जो निकलेगा वन बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज प्लस ए पॉइंट चार्ज वन कूलम इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज गिवन इन फिगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। ऑप्शंस देख लीजिए बच्चों, अभी हमने एक बात समझी थी कि हम गॉस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं किसी भी क्लोज सरफेस के लिए करते हैं। अब लेकिन यहां पर तो क्लोज सरफेस नहीं है, यहां पर तो एक चार्ज है और एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के जस्ट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, ओके, ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम, राइट। तो और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10-10 सेंटीमीटर की साइड्स होंगी, तो हमें बताना है इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। तो कैसे बताएं, अगर यहां पर हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है तो हमें इस चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहां पर एज्यूम करने होंगे 5 और स्क्वायर्स, आइडेंटिकल स्क्वायर्स, जो मिलकर बना लेंगे क्यूब। अब बच्चों इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी हमने समझा था पहले क्वेश्चन में, तो क्यू यहां पर है 1, तो ये हो गया 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस पूरे क्यूब से निकल रहा है इतना, तो इसके एक फेस से कितना निकलेगा, इसके एक फेस से कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1 बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए इसका हर फेस एक स्क्वायर है, तो अगर मैं वापस से स्क्वायर पर जाऊं
तो इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकलेगा, जितना कि क्यूब के फेस से निकल रहा था, कितना 1/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा बच्चों, यानी यहाँ पर स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास करेगा, 1/6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है 1 कूलम। अगर यहाँ पर चार्ज क्यू होता तो निकलता q/6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। फिगर बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू द सर्फेस एस इज। देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए बच्चों। यहां पर बोला जा रहा है कि एक सरफेस है, मान लीजिए एक सरफेस है, और इस सरफेस के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इस सरफेस के बाहर है प्लस क्यू। तो बोल रहे हैं फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस बताइए आप। तो किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स निकलता है डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, यानी क्यू एनक्लोज, अगर हम गॉस थ्योरम की बात करें तो। ओके, अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी यहां पर अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी होगी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अंदर कितना नेट चार्ज है, कितना चार्ज एनक्लोज है नेट, तो वो होगा प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये होगा जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर होगा बच्चों कितना होगा, जीरो होगा, राइट। यानी इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा। ओके, तो हमें जब भी यहां पर चार्ज एनक्लोज रखना होगा तो एडिटिविटी प्रॉपर्टीज हमें देखना होगा कि नेट चार्ज कितना है। ओके, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें नेट चार्ज चाहिए होता है कि उस सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है और क्या उसकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ ली होंगी बच्चों। तो आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूस होती है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ओके, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट करती हैं, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखेंगे, दे फॉर्म क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते, ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। आपने देखा होगा अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और ये एक क्लोज लूप होता है, लेकिन ये एक मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती। देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेगी और नेगेटिव पर जाकर टर्मिनेट कर जाएगी, फिर ऐसे नहीं होगा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए। ओके, ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर कोई वो लूप नहीं बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ वन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी दे फॉर्म क्लोज लूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, ऑप्शन है एनी क्लोज सरफेस, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेसेस, एनी ओपन सरफेस, ओनली इररेगुलर ओपन सरफेसेस। तो गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा बच्चों कि मान लीजिए अगर कोई सरफेस है और उसने कुछ चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, यानी ये चार्ज उस सरफेस के अंदर एनक्लोज है, और इस सरफेस के अंदर जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, यानी अंदर जो मीडियम है वो है वैक्यूम है। तो यहां पर जो फ्लक्स पास करता है वो पास करता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस थ्योरम होती है। तो यहां पर सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है। ओके, अब ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल है, ये क्यूबिकल है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंड्रिकल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो सरफेस है टोटल सरफेस, उस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास करेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेगा, ये गॉस लॉ में हमने सीखा। अब सरफेस की ज्योमेट्री कैसी हो, उसकी सिमेट्री कैसी हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस। ओके, यानी उसने चार्ज को एनक्लोज किए हो और वो सरफेस चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सरफेस से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास करेगा। अगर उस सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है और उसकी जो
उसका जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, राइट। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ रेगुलर सरफेस के लिए है या इरेगुलर के लिए है या फिर किसी ओपन सरफेस के लिए है, एक क्लोज सरफेस के लिए है, चाहे वो सरफेस रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो। सो इट इज वैलिड फॉर ऑल क्लोज सर्फेसेस, ओके। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सर्फेस, राइट। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सर्फेस। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जो MCQs पढ़े आप इनको रिवाइज कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए MCQ वीडियोज लेकर आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।